दोस्तों इस वीडियो में हमारे देश की एक एथलीट लवलीना बोरगोहाई ने आज हमारे देश को दूसरा ओलंपिक मेडल सुनिश्चित कर दिया है। जब उन्होंने बॉक्सिंग के वेल्टरवेट कंपटीशन जो कि 64-69 किलोस का होता है उसमें चाइनीज ताइपेई की चेन नाई चिन को 4-1 से एक तरफा हार हराया और हमारे देश को दूसरा ओलंपिक मेडल सुनिश्चित कर दिया जो कि अभी अपग्रेड होकर सिल्वर और गोल्ड तक जा सकता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में लवलीना बोरगोहाई के स्ट्रगल्स और उनकी मेहनत के बारे में और कैसे उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। दोस्तों लवलीना की कहानी काफी इंस्पायरिंग है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को गोलाघाट जो कि असम का एक प्रमुख जिला है वहां हुआ। इनके फादर टिकेन बोरगोहाई एक बहुत ही छोटे मोटे बिजनेसमैन थे। ही वॉज ए वेरी स्मॉल स्केल बिजनेसमैन एंड वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे लवलीना को उनके बॉक्सिंग करियर में। इसी कारण उनकी दो बहन लीमा एंड लीचा बोरगोहाई जो कि एक किक बॉक्सर नेशनल लेवल किक बॉक्सर्स थे वो अपना करियर आगे नहीं बढ़ा पाए ड्यू टू फाइनेंशियली सपोर्ट के वजह से। लेकिन लवलीना ही ऑल्सो थॉट अबाउट गोइंग इन टू किक बॉक्सिंग बट अगेन ड्यू टू द फाइनेंशियल सपोर्ट वो बॉक्सिंग की तरफ उनका झुकाव बढ़ गया और ये काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया उन्होंने क्योंकि आज वो हमारे देश के लिए एक पोटेंशियल गोल्ड मेडल के जीतने के कगार पर हैं। उनका करियर तब आगे बढ़ा जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उनके हाई स्कूल बरपथार गर्ल्स हाई स्कूल में स्पोर्ट्स ट्रायल लिया और 50 लड़कियों के बीच में उनका सिलेक्शन हुआ। आगे चलकर उनको एक महान कोच नॉर्थ ईस्ट के एक महान कोच पदम बोरो ने 2012 तक ट्रेनिंग की और आगे की ट्रेनिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए उनको शिव कि खुद द्रोणाचार्य अवार्ड विनर है और बड़े बॉक्सर्स जैसे कि मैरी कॉम को भी ट्रेन कर चुके हैं उनको सौंप दिया गया और उनकी ट्रेनिंग फिर वहां से हुई। लवलीना को उनके प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तब मिला जब उनको 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में वेल्टरवेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट किया गया। दोस्तों हमारे देश की मीडिया के द्वारा उनको पता चला, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी इतने उसमें काबिल नहीं थे कि उनको आके ये खबर दे दिया जाए। उनके पास ना कोई फॉर्म पहुंचा ना ही किसी तरह का इनविटेशन पहुंचा, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली हमारे पोर्टल मीडिया से और फिर वहां पे जाके वो इसी कारण उनका प्रिपरेशन सही नहीं रहा और वो सैंडी रायन जो कि उस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में विजेता हुई थी गोल्ड मेडल जीता था उनसे वो हार गई थी। लेकिन इससे हार नहीं मानी उन्होंने, उन्होंने फिर इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। आइए जानते हैं ऐसे कुछ उनके उपलब्धियों के बारे में। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 ब्रॉन्ज मेडल इन 69 किलोग्राम्स। वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 ब्रॉन्ज मेडल अगेन इन 69 किलोग्राम्स। एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स 2020 ब्रॉन्ज मेडल। 2020 में लवलीना वेल्टरवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में है जो कि 64-69 किलोग्राम के बीच में होता है। उन्होंने राउंड ऑफ 16 में नादिन एप्स जो कि जर्मनी की थी उनको 3-2 से हराया और क्वार्टर फाइनल में एनसी चेन जो कि अभी आज ही जो हुआ है उनको 4-1 से एक तरफा हार हराया। बात यह है दोस्तों उनका अगला मुकाबला जो है वो उनका पोटेंशियल जो अभी ब्रॉन्ज मेडल पोटेंशियल है उसको सीधे गोल्ड में बदल सकता है या सिल्वर में बदल सकता है। उनका मुकाबला है बी सुरमेनेली के साथ जो कि अगर ये मैच जीत जाती है वो सेमीफाइनल तो वो उस जो हमारा जो मेडल है ब्रॉन्ज को उसको सिल्वर में अपग्रेड करके और अगर सेमीफाइनल के साथ फाइनल भी जीत जाती हैं तो शी विल बी द फर्स्ट बॉक्सर टू विन द गोल्ड मेडल फ्रॉम इंडियन एट ओलंपिक्स। और मैं यही कहूँगा कि लवलीना जस्ट गो फॉर गोल्ड। लवलीना इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम असम टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स एंड सेकेंड बॉक्सर आफ्टर शिवा थापा हु इज अनदर रिनोन्ड बॉक्सर। उनको ऑलरेडी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है जो कि और एक गर्व की बात है। लवलीना जैसे बॉक्सर से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों कि जीवन में कई कठिन परिस्थितियाँ आएंगी, कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको उनसे हार नहीं मानना है, आपको उन सारे मुश्किल घड़ियों का डट के सामना करना है ताकि आपके ड्रीम्स जो आपने ड्रीम्स देखे हैं वहाँ तक आप पहुँचे और हर एक स्टेप आप धीरे धीरे करके अपने ड्रीम तक पहुँचे। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी उनके स्ट्रगल्स के दिन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिलाए और वो कैसे वो एक छोटे से स्टेट के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से होके वो कहाँ ओलंपिक्स के इतने बड़े एथलीट्स जो कि डेवलप कंट्रीज से आते हैं उनको जाके हराया उन्होंने। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग शख्सियत के साथ और होप करते हैं कि लवलीना हमारे लिए गोल्ड है। लवलीना गो फॉर गोल्ड। जय हिंद।